धौलपुर में पोस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया है। विशेष लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समूना गांव का है, जहां पर साल 2015 में आरोपी रामू एक नाबालिग के घर में घुसकर गया और दुष्कर्म करने की बाद में नाबालिग को जिंदा जलाने दिया। मामले में न्यायाधीश मुकेश टागी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकाश द्वारा सीआई द्वारा दर्ज किया गया, उसमें पीड़िता ने बताया उसके साथ रामू जाटव निवासी समोना पीएस राजाखेड़ा द्वारा दुष्कर्म कर किया, उसकी इज्जत लूटी और अपनी माँ से कहने के पर उसने कुंडी लगा के कमरे की उसकी तेज झड़क कर आग लगा दी और भाग गया, जिस पर उसके माँ बाप ने उसकी आग बुझाई और अस्पताल को लेकर आए। उसके बाद वहाँ से उसका ग्वालियर तक इलाज चला। रामू जाटव ने उसका पूरी तरह से ये जांच नहीं हो पाई कि ये उसकी एज बाबत ये नाबालिग है या नहीं, इसलिए माननीय न्यायालय ने पॉक्सो से उनको इसको बरी किया है, लेकिन दुष्कर्म के आरोप से 20 वर्ष का कारावास और